नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी। आप सभी को चुमी। एज यू नो, लास्ट टाइम हमारे वर्ल्ड में कैरी आया था एंड उसने हमारे वर्ल्ड की धज्जी उड़ा दी है। बेसिकली क्या ही बोलूं और मैं भाई, मतलब मेरे घर में अब एंटर करने के लिए दरवाजा क्यों है? तू यहाँ पे है? क्या जरूरत क्या है तेरी, जब मैं ऐसे ही जा सकता हूँ और बेड तक नहीं है। क्या कर दिया है मेरे प्यारे से घर का यार, क्या हाल कर दिया है। लो भाई, क्या लिफ्ट का देखो क्या हाल है। फिश फार्म तोड़ दिया है मेरा और यहाँ पे पूरा का पूरा मेरी क्रॉप जा चुकी है। और ये डायमंड के बताओ पिलर बना रखा है यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक्स का, मजाक है क्या? जिससे याद आया मुझे, आज हमें सबसे पहले क्या करना है। तो मैं अपने आप को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले देख रहा था एंड मैंने देखा, मैं ये क्या है, ये मैं आयरन के और ये आधा डायमंड का, ये क्या आर्मर वगैरह पहन के घूम रहा हूँ मैं यार। मैं इतना रही, मेरे पास इतना डायमंड है जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे माइन किया था, प्रूफ है मेरे पास, कोई नहीं बोल सकता कि ये क्रिएटिव मोड से उठाया मैंने। तो ये डायमंड जो मैंने माइन किया प्रॉपर, इसका क्या करूं मैं, ये तो वेस्ट है। बात तो सही है। नहीं, आज नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम सबसे पहला काम करने वाले हैं कि हम नेदर जाएंगे। और नेदर क्यों जाएंगे हम, क्योंकि हम नेदर से, जितना तुम्हें याद होगा, आज से कई महीनों पहले, 2-3-4 महीने तो हो ही चुके हैं जब मैंने पूरा नेदर ब्लास्ट अरे भाई साहब आप हटिए जरा, हट जा भाई, क्या वापस नहीं जाना मुझे, बदतमीज है एक नंबर का। इसको तो मैं आउच आउच, नहीं मम्मी, नहीं प्लीज नहीं, अगर मेरा सारा सामान नीचे गिर गया होगा। ओह ओह ओह, मेरा सामान, ओह माय गॉड, मेरा लाइटर है, थैंक गॉड। बस मेरी वो डायमंड की एक, जो बहुत सारा डायमंड था मेरा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज। ओह 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 यस, ओह यस, ओह माय गॉड, मेरी पिकैक्स सही सलामत है भाई, मेरी फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स है। इसको तो मैं मार के रहूंगा, इसको तो मैं मार के रहूंगा। चलो ना, सारे के सारे चलो। वो नीचे मेरा सामान पड़ा है क्या? ये भी नहीं पता मेरा सामान पड़ा है कि क्या पड़ा है। और ये क्या है, ये क्या ब्रिज क्या बना रखा है, ये अजीब सा यार, क्या हो गया, पूरे नेदर की धज्जियां उड़ा दी यार। मैंने ही उड़ाई थी, क्या कर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक्सपी भी नीचे ही पड़ा हुआ है, पर मैं नीचे जाऊँ कैसे? चार के आगे जीत है। मैं जा रहा हूँ नीचे भाई, देखी जाएगी। प्लीज प्लीज, मेरे 4 डायमंड के ब्लॉक्स थे पूरा जो लेने आया हूँ मैं। मैं जिंदा हूँ पर मेरे डायमंड के ब्लॉक्स अभी भी नहीं मिले। अब यहाँ पे ढूंढेंगे एंशिएंट डेब्री। ऑल राइट, थोड़ा सा संभल संभल के देखना पड़ेगा। इधर बहुत सारी एंशिएंट डेब्री हम खोज के गए थे, जैसे कि एक तो वो दिख रही है, एक उधर दिख रही है। अरे यार, बस यहाँ पे जो जमीन पे लावा है ना, उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा मेरे को। दैट्स इट, नो वरीज, आराम से। एंशिएंट डेब्री एक, एंशिएंट डेब्री दो, और दो के और वो रही, और एक और A few moments later. Alrighty guys, हम वापस आ गए हैं नेदर से जिंदा बच के, एंशिएंट डेब्री लेके। अब अपने को सबसे पहले करना है कि अपने को डायमंड के औजार बनाने हैं। डायमंड के औजार हमारे पास, डायमंड की चेस्ट प्लेट है, डायमंड की एक पैंट बना लेंगे, इसके बाद डायमंड का एक हेलमेट बना लेंगे, और इसके बाद डायमंड के जूते बना लेंगे। ये हो गया हमारा डायमंड का औजार पूरा। एंशिएंट डेब्री को मेल्ट करना होता है क्या, ये सही है? आई थिंक एंशिएंट डेब्री मेल्ट होगी जिससे मिलेगा नेदरराइट स्क्रैप, आता है मेरे को। एंड साथ में हमें चाहिए होगा गोल्ड, गोल्ड ये ले लिया। गोल्ड चाहिए होता है या गोल्ड के इनगट चाहिए होते हैं, पता नहीं, जो भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जब पक जाएगा नेदरराइट स्क्रैप, इसको लेंगे और 4 लेंगे, ये तो बन जाएगा नेदरराइट इनगट, जिसको अब हम लेंगे, इस पे जाएंगे और सबसे पहले अपनी पिकैक्स को नेदरराइट की बनाएंगे। बधाई हो, मैं बाहुबली नेदरराइट वाली पिकैक्स फाइनली। मैंने पिछली बार भी नेदरराइट जब इकट्ठा किया था, तब भी मैंने नेदरराइट की पिकैक्स नहीं बनाई थी, आई रिमेम्बर। इस बार हमारे पास नेदरराइट की पिकैक्स हो चुकी है। अब अपन वेट करेंगे कि बाकी का नेदरराइट भी जो है वो पक जाए, तो बाकी भी हम जो अपने औजार है उन सबको भी नेदरराइट का कर लेंगे। एनीवेज, जितनी देर में अपना ये नेदरराइट पकता है, हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारे इस वर्ल्ड की दुर्गति की गई है उसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा फार्म तोड़ दिया है, रुको जरा, आज सुधार का दिन है, आज
आज हम देश को आगे आई मीन अपने वर्ल्ड को आगे बढ़ाएंगे, वर्ल्ड में सुधार लाएंगे, ठीक है। आज के बाद खुले में हगना भी बंद करेंगे हम सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ हग्गूपुर अभियान है। मैंने अपने इस वर्ल्ड का नाम हग्गूपुर डाल दिया है, तो अब हम हग्गूपुर को स्वच्छ बनाएंगे। ऐसा लग रहा है किसी के बाल काट दिए, गंजा कर दिया है मेरा खेत पूरा। गुड जोक। हाँ हाँ हाँ, कौन है ये? क्या है, ज़ॉम्बी विलेजर? डोंट टेल मी डूड, हाउ ये विलेजर ज़ॉम्बी कैसे बन गया? एक सेकंड, ऐसा तो नहीं वहां पे सारे के सारे विलेजर ज़ॉम्बी हो गए हैं? भाई तुम सब ठीक हो नीचे? ये सब ठीक है। अच्छा, ये जो विलेजर सो नहीं पाता मेरे ख्याल से रात भर, वो ऐसा हो जाता है यार। अगर ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया है तो एक बढ़िया आइडिया आ गया, क्यों ना आए हील्ड अ ज़ॉम्बी विलेजर वाली वीडियो बनाई जाए, है ना? हाँ, अरे अभी तक मेरे पास कोई वो नहीं था, आइडिया नहीं था, अभी तो मैं सिर्फ वर्ल्ड सुधार रहा था अपना, लेकिन अब अचानक से मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, ज़ॉम्बी विलेजर को मैं हील करूंगा। आ गए, चलो अब वहीं पे रहो, और ये हो गए हो तुम ट्रैप। अब हम जरा गूगल करके आते हैं कि भाई ज़ॉम्बी विलेजर को हील कैसे किया जाता है, ठीक है? ओके, तो मैंने अभी गूगल करा है और गूगल पर वो कह रहे हैं कि ज़ॉम्बी विलेजर को हील करने के लिए आपको चाहिए एक वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल तो ठीक है, पर अब वीकनेस पोशन कैसे बनता है, अब वो गूगल करके आना पड़ेगा। आई विल बी बैक अगेन। तो वीकनेस पोशन बनाने के लिए बोल रहा है कि फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए। फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए हमें चाहिए स्पाइडर आई जो है शुगर एंड साथ में मशरूम। ओके, स्पाइडर आई चलो आई थिंक यहाँ नहीं भी मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पाइडर की तो आवाज आ ही रही है, तो उसको तो अब हम अभी ले आते हैं। हाँ स्पाइडर जी, कहाँ से सुडुप सुडुप कर रहे हो? अरे वाह, अरे वाह, आयो रे आयो, स्पाइडर आई दे दियो चुपचाप। बोला था ना आई देखे जाइयो, आई नहीं देखे गए हैं। कोई नहीं, स्पाइडर्स तो यहाँ पे ही बड़े सारे घूम रहे होते हैं इधर, ये यहीं को निकल जाऊंगा मैं, यहीं पे सुडुप सुडुप करके वो अंधेरे में खड़े रहते हैं। अरे ओ स्पाइडर वा। वैसे जब चाहिए नहीं होते तब हर जगह मिल जाएंगे, अभी चाहिए तो कोई एक भी नहीं दिखेगा। ओ स्पाइडर, माइनक्राफ्ट के नल्ले, आजा आजा चुपचाप, आई दे दियो, आई दे दियो, उठाओ अबे उठाओ यार, मेलन क्या करेंगे। ओके, स्पाइडर की आंख मिल गई है, अब इस स्पाइडर की आंख को लेकर हम सुगर में मिक्स करेंगे, साथ में चाहिए अरे मशरूम कहाँ से लाऊं मैं, अब ये मशरूम किधर मिलता है भाई? हेलो ओ गुलम चाचा, तुमको पता है मशरूम कहाँ मिलता है? अरे इसको अपनी जिंदगी नहीं पता कहाँ पे मिलती है, उसके अंदर घुस के बैठा हुआ है। अब ये ब्राउन मशरूम कहाँ से मिलेगा? ओके गाइस, तो मैं गूगल कर गया कि ब्राउन मशरूम कहाँ पे मिलता है। आई हैव नो आइडिया, जिस बंदे की मैं वीडियो देख के आया वो बोल रहा है नॉर्मल पेड़ों के नीचे मिल जाता है ब्राउन मशरूम। मैंने तो नहीं जिंदगी में कभी देखा ब्राउन मशरूम पेड़ों के नीचे, ट्राई करने जा रहा हूँ मैं फिर भी, नॉर्मल पेड़ों के नीचे ब्राउन मशरूम। ओके मशरूम मशरूम मशरूम, यार मेरे को जितना याद आ रहा है ना, नेदर में तो ब्राउन मशरूम मैंने देखा है, आई थिंक सो। ओ ये देखना, ये मशरूम वाला शेप है, इसके नीचे मशरूम है क्या? और इसके नीचे तो मौत है। मशरूम है कहाँ रे तू, ओ मशरूम है कहाँ रे तू। यार ये सारे पेड़ मशरूम की शेप के हैं, किसी एक के नीचे तो मशरूम होना ही चाहिए। यार मेरे को ऐसा भी लग रहा है मशरूम तो बहुत ही ऐसा वो वाली चीज है जो मैंने कभी जिस पे ध्यान नहीं दिया, और आज उसकी इतनी जरूरत पड़ रही है तो आज वो मिलेगा नहीं। मेरा लाइटर अभी आधे से नीचे है, यहाँ मशरूम्स होंगे पक्का, ऐसा मेरी इंटरनल फीलिंग कह रही है। हाँ भैया नमस्ते, हम सोच रहे तुम्हारा बेड ले जाए, क्योंकि कहा है ना हमारा बेड जो है वो तोड़ दिया किसी ने, ठीक है? हाँ बोल रहा है, चलो ले लिया फिर तो। ये जो मैं लाइटर से इधर उधर उड़ रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है, मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि मैं क्यों ना ऐसा लाइटर लेके एक डायरेक्शन में अनंत काल तक उड़ता रहूं, उड़ता रहूं, उड़ता रहूं। अगर इस वीडियो पे 400 के लाइक्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो विल बी एज अ फ्लाइंग टिल इन्फिनिटी। मजा आएगा भाई वैसे। अभी मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और एक और वीडियो देख के आया, और उसमें वो बोल रहे हैं कि मशरूम्स जो है वो नॉर्मली भी केव्स वगैरह में मिल जाते हैं, तो नेदर में तो मैं वापस नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वहां से मैं जिंदा बच के आया हूं। तो अभी हम यहां पे केव्स में ही मशरूम ढूंढने वाले हैं। ये मेरे आयरन गोलम की आर्मी जो है ना, इन्होंने पक्का मशरूम देखे होंगे। भैया लोगो, ए मशरूम पता है आपको किधर मिलेंगे? उस तरफ। ओके या उसने मेरे को सिग्नल दिया है कि ये इधर कहीं मशरूम मिल जाएगा आपको, तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं अब रिसर्च करने। मशरूम मिल जाएंगे केवो में। यार मेरी जिंदगी में क्या ही है, मतलब मशरूम के लिए भी आज इतनी वो करनी पड़ रही है, कसरत मेहनत जो भी कहते हैं उसको।
मशरूम नहीं मिलता, तू मिल जाता है चप्पू। हद है। मैं रिवीन में आ गया हूँ। रिवीन में मशरूम मिलेगा क्या? और रिवीन में मशरूम मिलेगा क्या? यार मशरूम तो ऐसी चीज है जिसको मैंने जिंदगी भर इग्नोर किया और आज उसकी इतनी जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे मैंने कभी डबल स्पॉनर ढूंढने थे तब आया था मैं आखिरी बार, उसके बाद कभी नहीं आया यहाँ पे, पर मशरूम नहीं मिल रहा देख लो। मैंने बहुत देर नीचे घूम घूम के चेक करा, ऑलमोस्ट 15 मिनट मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं नहीं मिला मशरूम। अब एक ही तरीका है, नेदर में जाके मशरूम लाओ। मैं नहीं जाना चाहता नेदर में। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? चल 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 आगे चल आगे चल और नीचे गिर, नीचे गिर, गिर, बाय बाय। मशरूम मशरूम पर ये तो लाल वाला मशरूम है और मेरे को ब्राउन वाला मशरूम चाहिए। ब्राउन मशरूम मशरूम अब तो मिल जा मशरूम कहीं के, ब्राउन वाले मशरूम आई मीन ब्राउन वाले मशरूम मिल जा भाई। अरे ब्राउन मशरूम दो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहीं पे ब्राउन फाइनली बहुत रुलाया भाई तेरे को आज तबाह। मैं तूने मेरे को अगर अब इसके बाद और टच भी कर दिया ना, तो इसने कर दिया, लेकिन मैं बोल रहा था अगर इसके आज इसने मेरे को टच भी कर दिया ना तो मैं फिर से नेदर पूरा ब्लास्ट कर दूंगा। मैं यार फालतू में वहां इतनी देर ओवरवर्ल्ड में ढूंढता रहा मशरूम, यहाँ नेदर में 2 मिनट में मिल गया। आइए आइए आइए, आई एम बैक। और अब बनेगी क्या? बनेगी स्पाइडर की आंख, शुगर और ब्राउन ब्राउन मशरूम। ये बन गई फर्मेंटेड आई। इसके बाद लेनी है पानी की बोतल। ये पानी की बोतल, ये भर लिया, ये भर लिया, ये 3 पानी की बोतल हो गई। इसके बाद जाएंगे अपने ब्रूइंग स्टैंड पे, यहाँ ये लगा हुआ है, एंड इस पे रखेंगे 3 पानी की बोतल्स एंड फर्मेंटेड स्पाइडर आई। मतलब बनी जाना चाहिए अगर यही है तरीका तो। पोशन ऑफ वीकनेस बन गया, लेट्स गो। ओके अच्छा, अगर इसको हमें स्प्लैश पोशन बनाने का है, इसको हम नॉर्मल पोशन नहीं रखना चाहते, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रूइंग स्टैंड पे इन बॉटल्स पे एक गन पाउडर अगर लगा देंगे तो अब ये स्प्लैश वाले पोशन बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू गूगल। भाई हमको तो इतना नहीं आता है, मैंने गूगल करा है, क्योंकि हमको स्प्लैश पोशन चाहिए, क्योंकि वो खुद से तो पोशन पिएगा नहीं विलेजर, उस पे फेंकना पड़ेगा, तो उस पे फेंकने के लिए हम स्प्लैश वाला पोशन बनाएंगे। अब ये गूगल सही है। तो अब हमें स्प्लैश पोशन हमारे पास है। नाउ वी नीड इज गोल्डन एप्पल, जिसके लिए गोल्ड तो है हमारे पास और एप्पल पड़ा है हमारे इस चेस्ट में। ऑलराइट, तो अब हम इस एप्पल को लेंगे और इसके अराउंड गोल्ड के इनगट्स रख देंगे तो ये बन जाएगा गोल्डन एप्पल। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारे पास गोल्डन एप्पल भी रेडी है एंड स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी रेडी है। इट इज टाइम टू हील द ज़ॉम्बी विलेजर। लेट्स गो। बस ऐसा ना हो कि वो डिस्पॉन ही हो गया हो। ओ नहीं नहीं, आवाज से तो लग रहा है। हेलो भैया, हेलो भैया, अब मैं तेरे पे फेंकूंगा स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और तेरे को दूंगा ये सेव। प्लीज ठीक हो जा, ठीक हो जा। अरे ठीक हो जा। मेरे को लग रहा है मैंने इसको एस्केप करा दिया, इसलिए बाहर निकाल दिया इसलिए तो नहीं। अबे हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दैट कुड वेरी वेल बी पॉसिबल। अरे यार मैं स्टुपिड हो गया। अरे रुक जा एक जगह पे। ओके ओके, मैं दूसरा एप्पल लेके आता हूँ तेरे को। इस बार तो मैं भाई भाड़ में जाता हूँ। मैं सोचा भाई मैं तेरे को ऐसे ही थोड़ा सा यू नो टहलने देता हूँ, तू तो बदतमीज निकला एकदम ही। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सेकंड अटेम्प्ट गाइस, इट हैपेंस, हो जाता है कभी कभार। ये दिया इसको पोशन ऑफ वीकनेस और एप्पल खिलाया। अब चुपचाप कन्वर्ट हो जा वापस ज़ॉम्बी विलेजर से, ज़ॉम्बी नहीं विलेजर बन जा। चेंजो चेंजो बोको मा को चे पिया स्तंबीना, बोको मा को चे पिया स्तंबीना, बोको मा को चे पिया स्तंबीना। ये तो वीकनेस पोशन भी खत्म हो गया, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। मैं जाता हूँ गाइस, मैं अपना जो नेदरराइट वाला वो है ना, वो वाला काम निपटा लेता हूँ। इसकी मर्जी होगी तो बन जाएगा इंसान, वरना जाए तेल लेने मेरा गया। ये नेदरराइट स्क्रैप आ गए सारे, इससे हमने यहाँ पे जाना है और ये यूं रखने हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये हमने लेने हैं और ये 1 2 3 4 करके फैला देने हैं और फिर ये भी 1 2 3 4 करके फैला देने हैं और ये आ गए हमारे पास 5 इनगट आ गए हैं। 5 इनगट लेने हैं। सबसे पहले अपनी जूतों को कर लो कन्वर्ट, इसके बाद अपनी लेगिंग्स को कर लो कन्वर्ट, इसके बाद हेलमेट भी कर लो कन्वर्ट और अपनी चेस्ट प्लेट भी कर लो कन्वर्ट। ओह यस,
यस, कवर मी इन डेब्री, आ गई अचीवमेंट आ गई। ओए ये माय गॉड, क्या हुस्न परी जाने जहां, कमसिन हसीना लग रहा हूं ना मैं, मजा आ गया। प्लीज भाई अब चेंज हो जा भाई, इंसान आवाज से क्या लेगा तू इंसान बनने का यार। मैं एक सेकंड देख के आता हूँ क्या गलती हो रही है। तो गूगल बाबा का कहना है कि मेरा जो पोशन है उसकी ड्यूरेशन कम है, शायद इस वजह से जो है ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 मिनट का वीकनेस पोशन है। तो अगर हम इस पे रेडस्टोन डस्ट अब साथ में लगा देंगे तो अब इसका टाइम बढ़ जाएगा, कितनी देर का हो जाएगा, 1.5 से ज्यादा 3 मिनट का हो जाएगा। तो आई थिंक वो इनफ होगा चेंज करने के लिए। प्लीज यार ये बंदा चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहा मैंने जॉम्बी रहना है। ओके भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें तू मान गया, इसमें तू इंसान बनने को मान जाता है तो ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं बनता तो भाई तू जा तेल लेने। ये यहाँ से नीचे तो नहीं कूद जाएगा? नहीं कूद सकता यार, मैं ना इसको ऊपर से फेंकता हूँ पता चले। और अब खा ले सेब, अब तूने बनना है तो बन जा इंसान, वरना तू जाए तेल लेने। है कहाँ जाए? तेल लेने जाए। भैया हम भी यहीं पे बैठे हैं ठीक है, आप पूरी रात इसको मैं कवर कर देता हूँ हर जगह से। हाँ भाई टाइमर शुरू हो चुका है मेरा, देखते हैं कब तक इंसान बनते हो आप। घड़ी का पहिया चलता है, दिन ढलता है, मैंने भी घर ही बसा लिया यहाँ पे, तुझे ही देखूंगा अब मैं, तुझे देखता हूँ मैं शामो सुबह, इस ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। लिटरली सब काम धंधा छोड़ के, नेदरराइट आर्मर वाला बंदा सब काम धंधा छोड़ के, फॉर्च्यून 3 एफिशिएंसी 5 अनब्रेकिंग 3 पिकैक्स वाला बंदा सब काम धंधा छोड़ के तुझे इंसान बनाने में लगा हुआ है, लेकिन तू इंसान बनना ही नहीं चाहता है। ये देखो अभी तो ये यहाँ पे एक विलेजर जो है ये सोता नहीं है, अब तू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, सोएगा नहीं तो। ये ले सो जा चुपचाप अब इस पे। One eternity later. नमस्ते। यस एक दिन से बात आई करके, मैं तब तक गूगल पे सर्च कर रहा था कि क्या ये बंदा वापस विलेजर बनेगा नहीं बनेगा, एंड विलेजर बन चुका है। यस यो माय होमी गोल रीच ज़ॉम्बी डॉक्टर, लेट्स गो। यो व्हाट अप क्या बोलती है पब्लिक, आज अप्पू ने ज़ॉम्बी विलेजर भी हील कर दिया है। ओ भाई आज तो हम काफी तरक्की कर गए, मतलब मैं पूरा नेदरराइट वाला मैन बन चुका हूँ, नेदरराइट मैन, और साथ में हमने इस वाले विलेजर को भी साथ में हमने इस विलेजर को भी इंसान बना दिया है। मुझसे भाई मुंह क्या फेर रहा है, उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देखो, मेरे और पास आओ, मेरे और पास आओ, हाँ मेरे और करीब, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने बोला मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो सच में पीछे चला गया। तू मेरे से मुंह फेर रहा है, तू जानता है मैं कौन हूँ? मगर क्यों? मैंने लेजिट 1.5 घंटा उस ज़ॉम्बी विलेजर को इंसान बनाने में लगाया, वो मेरे से बदतमीजी कर रहा था यार, मेरे से बदतमीजी करेगा तो मैं छोड़ने वाला हूँ क्या? अबे बाढ़ में जाए तेल लेने, वैसे करियो कितनी भी मेहनत उसको इंसान बनाने में। हाँ भाई, एनीवेज गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अगर इस वीडियो पे 400K लाइक्स हो जाते हैं तो आई विल फ्लाई इन वन डायरेक्शन अनंत काल तक, मतलब जब तक पॉसिबल होगा उड़ पाना तब तक उड़ता रहूंगा मैं। या सो फॉर दैट वीडियो लाइक, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।